साथियों नमस्कार, मैं के मिश्रा कौशल YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, साथ ही निवेदन करता हूं कि चैनल के मिश्रा कौशल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, आज आप सबके समक्ष पुनः एक बार मैं बहुत ही शानदार वीडियो जो अपने LIC से संबंधित माता वैष्णो देवी के मंदिर से रिलेटेड करते हुए आपको ला रहा हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। जय माता दी। मित्रों, मैं बात करूँगा अपने समस्त अभिकर्ता बंधुओं के लिए, साथ ही सम्मानित अपने पॉलिसी धारकों के लिए, माने बीमा धारकों के लिए। मैं ये वीडियो देने से पूर्व ही आप सबसे बताना चाहूँगा कि मेरी तो इसमें व्यक्तिगत अपनी राय है, हो सकता है आप हमारे इस राय से सहमत ना हो, लेकिन फिर भी मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आज मुझे तो ये लगता है कि अगर LIC ना होती तो हम ना होते। अगर LIC ना होती तो मुझे लगातार विगत कई वर्षों से, जो मुझे याद है, लगभग 30 वर्ष लगातार मुझे माता वैष्णो देवी जम्मू कटरा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त न होता। बहुत बार जो मैंने सुना है, बहुत लोगों से सुना है, पूरे जीवन कमाई में लगे रहे, व्यापार में लगे रहे, लेकिन माता जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया। मैं अदना सा छोटा, कोई हैसियत नहीं, साधारण LIC अभिकर्ता जो आप सबके बीच डेली कुछ न कुछ LIC से संबंधित चीज़ें आप सबको देता रहता है, जिसको आपने हमारे चैनल के माध्यम से फर्श से अस्त तक आपने सुना भी है, देखा भी है और जाना भी है। अब मैं आपसे सबके बीच में बात करता हूँ बीमा वाला, हमारे चैनल के जो मोटिवेशन संदेश देने वाले, पहला जो मेरी हेडिंग थी फर्श से अस्त तक, अब सिर्फ बीमा वाला मैं बात करता हूँ। तो मैं वो बीमा वाला हूँ, मैं वो एक अदना सा एजेंट हूँ, बहुत छोटा अभिकर्ता हूँ, जो आप सबके बीच में कभी कभी कोई कोई बात आप सबके बीच में कह जाता हूँ, हो सकता है आप उससे सहमत ना हो। मेरा आप सबसे करवद्ध निवेदन है कि जो काम करें मन से करें, ईमानदारी से करें, मेहनत से करें, निरंतर करें। जब आपके काम में मेहनत, ईमानदारी और निरंतरता होगी तो निश्चित आप सबके आपके बीच में प्रसन्नता होगी और माता वैष्णो देवी की कृपा होगी, जैसा कि हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर है। साथियों, ये सौभाग्य है कि मैं अपने परिवार में पूर्वजों के बाद, पूज्य पिताजी और माताजी के बाद, मैं अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ आप सबके बीच में हूँ। तो मुझे ये भी सौभाग्य प्राप्त है कि तीनों देवियाँ हमारे घर में हैं और सब माता जी की देन है। जब पहली बार मेरे एक मित्र ने मुझे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए प्रेरित किया था, आज मैं उसको फिर भी धन्यवाद देता हूँ, श्री अरविंद कुमार तिवारी उर्फ पूता को, कि जिसकी वजह से मैं आज के 30 वर्ष पूर्व पहली बार माता दर्शन वैष्णो देवी के करने गया था। और वो दिन और लगातार मुझे प्रत्येक वर्ष किसी न किसी तरीके से, किसी भी बहाने माता मुझे बुलाती हैं और मुझे दर्शन देती हैं। मेरा मन प्रफुल्लित होता है, मुझे लगता है मेरे जीवन की पूरी कमाई मिल गई, माता जी के श्री चरणों में नतमस्तक होकर। मैंने कभी न कुछ मांगा है, न मांगता हूँ, न मांगूंगा। जो माता देती हैं उसे सहर स्वीकार करता हूँ, आज भी स्वीकार कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग रोज नहीं, हर महीने नहीं, हर साल नहीं, तो जीवन में एक बार श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन जरूर करें। मैं माता जी से प्रार्थना करूंगा कि जिनको एक बार भी दर्शन ना प्राप्त हुए हों, वो इस वीडियो देखने के बाद जरूर एक बार वहां जाने का मन बनाएं और जा करके बहुत आसानी से जम्मू में उतर करके, या कुछ गाड़ियां कटरा तक जाती हैं, कटरा में उतर करके माता जी के दर्शन करें, चढ़ाई चढ़ें, चढ़ करके अर्धकुमारी के दर्शन अवश्य करें,
श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करें, भैरव बाबा के दर्शन करना ना भूलें और अपना और अपने परिवार का कल्याण करें। इसी के साथ, चूँकि समय की बाध्यता है, मैंने कई बार कहा है कि मैं अपनी बात मात्र कुछ शब्दों में, कुछ लाइनों में कह करके कुछ समय में ही आप सबके बीच में पहुंचाने का प्रयास करता हूं, जो आज भी किया है। ये छोटा सा वीडियो और साथ में एक वहाँ की एक झलक का वीडियो, एक फ़ोटो आपको दूंगा और आशा करूंगा कि आप सब अब तक नहीं, अभी तक नहीं तो LIC के अभिकर्ता होने के नाते मैं अपने अभिकर्ताओं से कहूंगा और अपने सम्मानित बीमा धारकों से कहूंगा कि एक बार माता जी के दर्शन जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। आराम से ले जाइए। ना बना रहे थे तो ठीक है। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माता दी।